पे अननोन फैक्ट्स अबाउट केपॉप जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे। नंबर 3, केपॉप म्यूजिक की हिस्ट्री की बात करें तो ये 1885 में हेनरी अपेंजरा नाम के एक व्यक्ति ने अमेरिकन और ब्रिटिश पॉप सॉन्ग को एक स्कूल में सिखाने लगे थे और यहाँ पॉपुलर वेस्टर्न मेलोडी के ऊपर कोरियन लिरिक्स गाए जाते थे। नंबर 2, हर साल साउथ कोरिया के लगभग 100 से ज्यादा ग्रुप अपना डेब्यू करते हैं, पर सिर्फ कुछ ही है जो इस जर्नी को तय कर पाता है और सक्सेसफुल हो पाता है, जिनके परसेंटेज 5% से भी कम है। नंबर 1 को जाने से पहले दोस्तों, अगर आप सच्चा बीटीएस आर्मी या ब्लिंक हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1, ईयर 2016 में ग्रुप ब्लैकपिंक को अपना फर्स्ट नंबर जीतने में सिर्फ 13 दिन का समय लगा था, क्योंकि उनका डेब्यू सॉन्ग विजल रिलीज होते ही काफी ज्यादा हिट हो गया था, जिससे ब्लैकपिंक को ओवरनाइट अल्टीमेट सक्सेस मिल गया। दोस्तों, आपका फेवरेट केपॉप ग्रुप कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।